सुबह से आया था मैं स्टूडियो में, भी आए हैं पिज्जा पार्टी करने यहाँ पे। ठगना मत क्योंकि स्टीम लेने से ये सारा सर दर्द जो आँख में बहुत तेज लग रहा है ये था वो सीक्रेट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग एंड इट इज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग एंड वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। भाई जो मुझे सिम्टम्स है उससे लग रहा है कि मुझे ओमिक्रॉन हुआ है, बिकॉज कल बुखार था यानी कि फीवर था, बॉडी पेन था, आज जो गले में खराश है और सर्दी है। तो मैं रेगुलरली गर्म पानी पी रहा हूँ। मैं अभी किचन में जो दिव्य पे होता है उसको अभी पका रहा हूँ, दिखाता हूँ कि दिव्य पे किस तरह का होता है। और अगर सर्दी जुकाम हो तो आपको भी लेना चाहिए। उसके बाद फिर जाऊंगा फोटो खिंचवाने में, उसी के लिए मैं थोड़ा सा बाल बाल सेट किया हूँ। फोटो किस लिए खिंचवाना है सस्पेंस है, तो आप प्लीज व्लॉग में बने रहे, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मेरे जॉब से रिलेटेड है, एविएशन से रिलेटेड है, मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड है, तो इसके बारे में डीप में आपको बताऊंगा। आगे आपको पता चल जाएगा कि मैं फोटो क्यों खिंचवाने जा रहा हूं और सब चीज डिटेल में आपको पता चल जाएगा। व्लॉग में आप बने रहना। मैं धीरे से बोल रहा हूं, कुछ मैं तेज बोल रहा हूं तो मेरा सर भी दुखने लग रहा है, बट सोचा कि क्यों ना आपको ये जो जर्नी है वो शेयर किया जाए। आपको कफ कोल्ड हो तो आपको दिव्य पे लेना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है। तो यहाँ पे पक रहा है अपना दिव्य पे, अपना दिव्य पे काफी अच्छा होता है। इसका पैकेज आपको मैं दिखाता हूँ, जो पैकेट है बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, कफ एंड कोल्ड में काम होता है। ये देखो, ये दिव्य पे का 100 ग्राम का पैकेट है, ठीक है। इसमें जितने भी यूज होते हैं वो सारे जड़ी बूटी यूज होते हैं। इसके पीछे अगर आप देखोगे किस किस काम में आ सकता है, बाकी इंग्रेडिएंट्स ये हैं, यूज इन कफ कोल्ड लॉस ऑफ एनर्जी एंड इम्यूनिटी। लाल पक गया है। सुबह से यहाँ आया था मैं स्टूडियो में फोटो सेशन कराने, और ये अंकल यहाँ पे है और अभी इस पे दिखा रहा था फोटो जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया था, और ये अभी प्रिंट करना है यहाँ पे कुछ। फाइनली आ चुका है अपना ये फाइनल रिजल्ट, ये पासपोर्ट हो गया और ये स्टैम्प साइज। काफी अच्छे अच्छे फोटोज यहाँ पे लगाए हुए हैं डेमो के लिए। चलो ठीक है अंकल, थैंक यू। सो गाइस हम लोग अभी आए हैं पिज्जा पार्टी करने यहाँ पे, आप देख सकते हो। वेट करो भाई, तुम ये आज कुछ ऑफर है क्या? आ गए हम, ये देख लो यहाँ का डिजाइन। बैठो बैठो, ठगना मत क्योंकि आपने वो उसका जो है ना मटेरियल कम डाला था, आपने बोला था ऑफर में जो है थोड़ा सा वो हो जाता है फ्रेश। यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है अभी इसमें और भैया में। फाइनल हो गया भाई, इसको हटा दो। एक दो शॉट लिए भी है, नहीं लिए तो ये भी कितना लिया। गाना तो भैया सही बजा रहे हैं लेकिन इस पे कॉपीराइट आने का चांस है। सो रूम पे हम लोग लेके पहुंच चुके हैं। मीडियम, ये लार्ज, और ये मीडियम है और ये लार्ज है, वेरी लार्ज। ये तो बहुत बड़ा है इससे, ये लार्ज पिज्जा। ओके सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कल मैं ये व्लॉग को स्टार्ट कर दिया था और कल बहुत कुछ शूट नहीं कर पाया, 4 मिनट के आसपास मैं कुछ शूट कर पाया, बट उसमें से काट कुट के 1-2 मिनट का निकलेगा। आज मैं फिर से व्लॉग शूट कर रहा हूँ, उसी व्लॉग में कंटिन्यू रहेगा। कल था 1 फैब, आज है 2 फैब। तो अगर बात करूँ तबियत की तो यार फीवर नहीं है, ये पूरा सुन पड़ा हुआ है, आपको आवाज से भी आइडिया लग रहा हो, ठीक है। तो फिलहाल आज कुछ इम्पोर्टेंट आपसे डिस्कस करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है। बट उससे पहले क्योंकि मुझे पता चला है कि जो विक्स होता है, सॉरी क्या बोलते उसको, कपूर होता है, उसको गर्म पानी में डाल के उसका जो स्टीम लेने से ये सारा सर दर्द जुकाम और जो गला पकड़ा हुआ है वो सारा खुल जाता है। तो मैं जा रहा हूँ पहले विक्स लेने और उसके बाद देखता हूँ कि क्या सही होता है या नहीं होता है। बट Everything is fine, but the little problem here. So guys, I'm really sorry अगर आपके पास मेरा आवाज़ थोड़ा धीमे पहुँच रहा है, कोई नहीं, आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो चलते पहले विक्स लाने। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं गर्म पानी, कपूर डालूंगा और उसका स्टीम लूंगा तो काफ़ी रिलीफ मिलेगा इसे, देखता हूँ। इसको पूरा बॉयल करते हैं, जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये पूरा बॉयल नहीं होगा, अपने आप यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा ये। वे आई थिंक पूरा बॉयल हो गया है, ये देखो। ओ भाई साहब, अभी यहाँ से लाइट ऑफ हो गई, ऑटोमेटिक है। ऑफ ऑफ, अबे ऑफ, सब बॉइल हो गया, बेइज्जती मत करा भाई। हाँ गुड, आई थिंक मुझे लगता है पता है क्या कि जो कफ होता है ना, जो मतलब अजीब तरह से पूरा जकड़ देता है, उसका प्रॉब्लम हो रहा है, उसके वजह से सर भारी लग रहा है। कपूर भाई जी आ चुका है अपने पास, कि इस कपूर को डालूंगा गर्म पानी में और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो नल का पानी है वो कितना गंदा होता है, ये देखो। अब लगाते हैं ये विक्स, आँख में बहुत तेज लग रहा है, इसको ढकना पड़ेगा स्टीम के साथ। ओके हाँ, क्या बात है, विक्स थोड़ा कम पड़ गया। फिलहाल ये विक्स लेने का प्रक्रिया अभी समाप्त होता है और मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करूंगा। तो मैं रेस्ट करके उठ गया हूँ और उठने के बाद एक रील्स बनाया, और रील्स बनाने के बाद अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो जहाँ पे मैं रील्स डालता हूँ, तो इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, जाओ और रील्स को एंजॉय करो। व्हाट्सअप गाइस, अनदर डे। और कल मैं वीडियो शूट करने के बाद रेस्ट किया, बिकॉज कल भी तबीयत सही नहीं था। आज है 3rd फैब
आज भी थोड़ा सा गला खराब है और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock, तो अभी मैं जस्ट थोड़ा देर पहले उठा हूँ। रात में थोड़ा सा हेड पेन हुआ था, इसलिए मैं देख रहे हो आप सरसों का तेल रात में लगाया हूँ और अभी इसको वॉश करूंगा जाकर। ठंड तो वैसे ही पड़ रही दिल्ली में, आज तो और भी बर्फीली हवाएं चल रही है भाई दिल्ली में। और इसमें अपना दलिया देखता हूँ रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। होप सो कि रेडी हो गया हो। 4 सीटी लगवाया इसको, तो ये रहा अपना फाइनल रिजल्ट दलिया। तो जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया है, दलिया जल चुका है। ओके गाइस, सो इट्स इवनिंग एंड अभी शाम के 4 बज रहे हैं एंड अभी मैं निकला हूँ वॉक पे। मैं वॉक पे तो निकल गया लेकिन यार बारिश हो रहा है, मतलब पूरा मूड स्पॉइल। मास्क और ये भी पहनने के बाद दिक्कत क्या होता है कि इस पे भाप जमने लगता है, तो जो चश्मा वाले हो गए मेरे से अग्री करोगे। तो ठंडा मौसम, एक तो पहले से ही सर्दी है और ऊपर से आप ये देखो, मतलब सुबह से ही बारिश हो रहा है यहाँ पे। भाई एक हाथ में पहन लिया ग्लव्स, बिकॉज अगर इस हाथ में ग्लव्स पहनूंगा तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक, वॉकिंग करते हैं। बारिश अभी तेज हो गया थोड़ा, तो अभी वापस निकलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कोई आग वक्त आप रहा है, क्योंकि जनरली यहाँ पे लोग आग वक्त आप रहे हैं, तो मैं 5 मिनट आग सेकूंगा और फिर निकलूंगा। यहाँ पे ये लोग आग तो ताप रहे हैं, पाइल से जलवाइए आग सेक लिया हूँ। बारिश बहुत तेज आ रहा है, तो रूम पहुंच के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलो भाई, जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला था, जो मैं आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेरे लाइफ से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, गेस करो क्या हो सकता है कमेंट सेक्शन में मेरे बोलने से पहले। तो बात यह है कि जब मुझे एविएशन में एज अ टेक्निकल ऑफिसर जॉब मिला था, वो जॉब मैं क्विट कर चुका हूँ। तो ये था वो सीक्रेट, इस वीडियो में पूरा नहीं बताऊंगा। इससे रिलेटेड क्या मैं जॉब क्विट किया हूँ या एविएशन को ही क्विट कर दिया हूँ, कोई और सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ या कुछ और प्लान है क्या है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना और चैनल पर नया हो तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसी तरह से और इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाने वाला हूँ और कहाँ पे जाने वाला हूँ और बहुत सारा इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाला है। ठीक है, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट और मैं इस चीज़ को आज बहुत दिनों बाद अपने फैमिली मेम्बर से भी बात किया, जिनके साथ बहुत दिनों से बात नहीं हो रहा था, तो उनके साथ ही बात किया, उनको भी ये चीज़ मैं शेयर कर दिया कि भाई ऐसा सा चीज़ है, आई क्विट माई फर्स्ट जॉब। एंड उनके साथ खैर शेयर कर दिया कि मुझे कहाँ से ऑफर आया है और क्या है सब कुछ। आपके साथ मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, आपके साथ मैं सस्पेंस धीरे धीरे खोलूंगा आज। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, यानी कि 3 दिन का कॉम्बाइंड ब्लॉग था, 1, 2 एंड 3 फरवरी का पूरा ब्लॉग था। आशा करता हूँ ब्लॉग एंटरटेनिंग लगा हो, मज़ा आया हो देखने में। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी तरह से इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखते रहो। मस्त मस्त ब्लॉग आने वाला है इन फ्यूचर। और अगर चाहते हो आप मेरा रील्स देखना, बिकॉज मैं रील्स भी क्रिएट कर रहा हूँ, तो रील्स का आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, सिर्फ बढ़िया बढ़िया रील्स आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।